जैसा कि अभी आपसे बात जब हो रही थी तो बताया कि पिछले कई दिनों से एक सिलसिला शुरू हुआ है। अलग अलग पार्टी से लोग कांग्रेस की दिशा में देख रहे थे और अब आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा हुई, भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई और वो अपना प्रभाव एक चंदन की जो महक होती है उसकी तरह वो फैलाती चली गई। उसी प्रभाव का असर और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नेतृत्व, कांग्रेस पार्टी की तरफ लोग क्यों आ रहे हैं उसका उत्तर इन चीजों में मिलेगा आपको, इन तमाम बिंदुओं में आपको मिलेगा। हरियाणा, राजस्थान से सिटिंग एमपीज आए, आज सुबह आपने देखा झारखंड से सिटिंग एमएलए और भारतीय जनता पार्टी में विप जो है वो आए। अभी इससे पहले आपने देखा कि जनाधिकार पार्टी पप्पू यादव जी ने अपनी कांग्रेस के साथ मर्ज कर दी। तेलंगाना में आप देख रहे हैं लगातार एक सिलसिला चल रहा है सुबह से शाम तक, एक तरह से कि ज्वाइनिंग होती चली जा रही है। देश की राजनीति एक नया करवट ले रही है और हम और आप उसके विटनेस बन रहे हैं, उसको देख रहे हैं। आज हमारे बीच चौधरी लाल सिंह जी, डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके तमाम साथी हैं। हमारे इंचार्ज भरत भाई सोलंकी, हमारे बड़े भाई, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, हमारे मनोज यादव जी हैं, हमारे कुंतल जी हैं, हमारे तमाम नेता यहां आपके सामने हैं। मैं भरत भाई सोलंकी से आग्रह करूंगा कि वो इस विषय में आपको और दो शब्द बताएं। आदरणीय पवन खेरा जी, जम्मू कश्मीर पीसीसी के अध्यक्ष, वकार जी, हमारे एआईसीसी के जॉइंट सेक्रेटरी मनोज यादव जी, और आज एक ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर के मामले में जो हमारे चौधरी लाल सिंह जी है, पूरी उनकी पार्टी को लेके कांग्रेस में सम्मिलित हो रहे हैं। उनका इतिहास सेवा का इतिहास है, काम का इतिहास है, कांग्रेस से सांसद रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया है। अभी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी का जम्मू में उन्होंने बड़ा भारी स्वागत किया है। और जैसा कि पवन खेरा जी ने बताया कि देश की राजनीति करवट बदल रही है, 2024 ऐसा इतिहास बनाएगा, चमत्कारिक इतिहास बनाएगा, और पूरे इस लोकसभा के चुनाव में जम्मू कश्मीर का रोल बहुत ही अहमियत रखता है। जम्मू कश्मीर की राजनीति भारत की राजनीति में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस इंपॉर्टेंट राजनीति में लाल सिंह चौधरी जी अपनी पूरी पार्टी के साथ जब जुड़ रहे हैं तो पूरा जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक बड़े बदलाव की दिशा में जा रहे हैं। आने वाला समय बताएगा, चुनाव हो गया और चुनाव के साथ लोगों की मनसा है इस देश में शांति, अमन और खास करके जम्मू कश्मीर स्ट्रेटेजिक स्टेट है हर तरफ से, जहां की राजनीति अलग अलग विचार के साथ चल रही है, उनमें बदलाव लाके देश के साथ जुड़ के शांति और अमन की बात करने के लिए आज का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है।
मैं ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खारगे जी, हमारे सबके नेता राहुल गांधी जी और हमारे सबकी नेता आदरणीय सोनिया जी की तरफ से मैं चौधरी लाल सिंह जी को कांग्रेस में सम्मिलित करके उनको आवकार करता हूं, उनको अभिनंदन करता हूं। पवन खेरा जी, हमारे इंचार्ज भारत सिंह सोलंकी जी और आज के हमारे खुसूसी मेहमान जो आज ज्वाइन कर रहे हैं हमारी पार्टी में, उनका दिल की गहराइयों से हम स्वागत करते हैं। चौधरी लाल सिंह जी, हमारे भाई को इंचार्ज मनोज यादव जी, शहनवाज साहब और हमारे नीरज कुंडन जी और प्रणव जी, चौधरी लाल सिंह जी का जो इतिहास रहा है राजनीति में, एक ईमानदार शख्सियत जो लोगों के लिए रात दिन अपने आप को पिछले 30-40 साल से जिसने निशावर किया, जिसने हमेशा गरीबों की मजदूरों की लड़ाई लड़ी, चाहे पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के अंदर लड़ी या पार्लियामेंट के बाहर लड़ी। और आप देखेंगे जब ये हेल्थ मिनिस्टर थे चौधरी लाल सिंह जी, एक इतिहास इन्होंने रचाया, वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर। और जब ये फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, आज जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा जू वहां पे बना है, जम्बू जू, जिसकी ओपनिंग हुई है और जोग दर जोग वहां लोग जाते हैं, वो भी चौधरी लाल सिंह जी की देन है। तो मेरे, हमारी जो पार्टी है जम्मू कश्मीर में, इनकी आने की वजह से बहुत ही ज्यादा मजबूत होगी और मुझे यकीन है कि आगे चल के जब भी असेंबली का चुनाव होगा, वहां पे सरकार जो है कांग्रेस पार्टी की बनेगी। इनके आने से हमारी पार्टी बहुत मजबूत हुई और जो प्रेजेंट वहां पे सिचुएशन है 2019 के बाद, वहां पे डेमोक्रेसी भारतीय जनता पार्टी ने सस्पेंड कर दी है। वहां पे 2014 में असेंबली के चुनाव हुए हैं, 10 साल हो गए चुनाव होने को जम्मू कश्मीर में, पंचायतों के चुनाव ड्यू थे वो भी कैंसिल किए गए, म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस ड्यू थे वो भी कैंसिल किए गए। एक बहुत परेशानी में हमारे लोग गुजर रहे हैं और यहां पे दिल्ली में आके भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं सब कुछ अच्छा है, टेररिज्म दोबारा बढ़ रहा है, आपने देखा कुकरनाग में, रजौरी में, पुंछ में, कहां कहां टेररिस्ट के जो वाकात हो रहे हैं टेररिज्म के। तो मुझे यकीन है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हमारी स्टेट को यूटी बनाने का जवाब भी मिलेगा, वहां पे बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ाने का जवाब भी मिलेगा, लोगों को 200-200 साल की जमीनें छीनने का जवाब भी मिलेगा, जो वहां पे इस वक्त परेशानी है, जो डेमोक्रेसी को खत्म किया गया है, जो स्पेशल स्टेटस छीना गया, इन सब चीजों का इस इलेक्शन में जम्मू कश्मीर के लोग भारतीय जनता पार्टी को जवाब देंगे और इंडिया अलायंस और कांग्रेस जम्मू से लेकर लद्दाख तक 6 की 6 सीटों पे कब्जा करेगी। ये मैं वसूख से कहूंगा, चौधरी लाल सिंह जी का लोग दिल से स्वागत कर रहे हैं, इस वक्त जश्न होगा पूरे जम्मू कश्मीर में इसके जम्मू कश्मीर कांग्रेस में आने से। तो मैं इन्हीं अल्फाज से इजाजत लूंगा और मुझे यकीन है कि एक बहुत बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी की होगी चौधरी लाल सिंह जी के आने से। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। हमारे बीच हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट स्टेट के बकार रसूल जी, इधर मनोज यादव जी, नीर जी, शाहनवाज जी, पुनीत जी, बाकी आप सारे जी, सबका शुक्रिया करूंगा आपका। आप इधर, इलेक्शन डिपेंड आप पे है, आप कितना सहयोग मिलता है आपसे और मुझे उम्मीद है मिलेगा, तब्दीली तो करने पड़ेगी सबको। अगर आप सोचोगे सारे कि हम
मैं सब कुछ भोगत रहा हूं, भोगी हूं, भोगत भी रहा हूं। आई नेवर केयर। जीना एक बारी है, बात सारे सुन ले, दो बारी वाला कभी ना पंगा ले, और मरना एक बार है। मेरा बड़ा क्लियर फंडा है, मुझे इन्होंने ज्वाइन करवाया, बड़ी कृपा इनकी, सबकी बड़ी मेहरबानी। मैं कांग्रेस तिवारी से मैं जीता हूं, एक ही आदमी पूरे देश में जीता था 96 में एज एमएलए। मैं तीन बार लोक असेंबली रहा हूं, तीन बार कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूं, दो बार लोकसभा का कांग्रेस में रहा हूं। दो तीन बंदे तो मेरे गवाह हैं, है भाई, ठीक है ना। और फिर वैष्णो देवी दिखाता हूं इन सबको कभी कभी, मेरे पास थी। हाँ, कोई भी आप में भी आना चाहे तो इंतजाम हो सकता है इज्जत से, क्योंकि पिट्ठुओं का, पालकी वालों का, घोड़ों वाले का, उन पे टैक्स था, शायद आपको याद हो, और मैंने लड़के माफ कराया था। मैंने कहा इनकम टैक्स होना, टोल टैक्स होना, सेल टैक्स होना, सरचार्ज होना, लेबर टैक्स नहीं सुना मैंने, वो मैं ही हूं जिसने ये खत्म करवाया। हालांकि सरकार भी उस समय अपनी थी, लड़ाई भी पूरी लड़ी, अब भी। और फिर एक बात और आपको सुनाऊं, मैं को तीन चार बार जिस भी जब भी खड़ा होता हूं, कहीं खड़ा होता हूं, तो सरकार बनती है, एक बात नोट कर लेना आप सारे। ये मैं नहीं जानता कि वो क्यों होता है ऐसा, और कभी सोचा नहीं होता कि इसकी सरकार बनेगी। मैं 2004 में आया था यहाँ, आपको सबको याद होगा, 2002 की पहले बना के आया था जम्मू कश्मीर में। जब 4 में आया तो शाइनिंग इंडिया था उस समय, कहाँ गया, ये बात याद रख लेना सारे। फिर बन जाती है तो फिर बाद में आदमी कहता है नहीं 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 भाई, मैं आप ही कहा था। तो बेटर है कि पहले हम सारे एक दूसरे से इकट्ठे हो जाएं। और दूसरी बार जब यहां से इन्होंने मुझे मेरी टिकट, अयाज साहब मेरे बड़े लीडर हैं, है भाई, टिकट ले गए थे, आप सब बड़े रोए थे, आप सारे लोग। मेरा इतना कद नहीं था, लेकिन 5 फुट 4 इंच हूं, प्योर डोगरा हूं। डोगरा कौन होता है, जो देश में सबसे ज्यादा कुर्बानियों में, अभी क्योंकि इसका नोटिस करोगे, सबसे बड़ी सरहद हमने बनाई है, मेरे बुजुर्गों ने बनाई है, हमें प्राउड है इस बात का। अगर आपकी दिल्ली दूर है ना, तो हमारी वजह से दूर है, बॉर्डर की, बॉर्डर दूर है, हमने किया है। अभी भी हमारा आधा इलाका गया हुआ है, बात अलग है। तो मेरी जनाब से ज्यादा बातें तकरीर नहीं करना चाहूंगा, मुझे बहुत कुछ आता है। मैं 78 में स्टूडेंट था, मैं जेल में था, 11th पढ़ता था, मैंने सब कुछ देखा है। मैं अभी भी जेल काटी है, मैं ही छूटा हूं, आज भी मेरी बेल कैंसिल कराने के लिए ये है। कोई आदमी आज इस पंगे में नहीं पड़ता, सारी दुनिया डर के अंदर घुस गई है, हम नहीं डरेंगे, हम नहीं डरेंगे, हम लड़ेंगे, और इस मुल्क को, इस इलाके को, जो इसकी इज्जत है, उसकी वापस दिलवाएंगे। दिस इज वेरी क्लियर। मुझे पता है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ना ही बहुत बड़ी बात है, बात याद रख लेना, हमारी इज्जत थोड़ी ज्यादा करा करो। ये मैं ठीक कर रहा हूं आप सबको, मेरे पे 3 अटैक हुए हैं, मेरे साथ 8 बंदे मरे हैं, मैंने भोगा है, डीएसपी मरा, मेरी गाड़ी उड़ाई, नहीं मरा मैं तो, कहने का दूसरा अटैक मेरा बनहाल में होता, तीसरा अनंतनाग में, मैंने भुगता है। और मैं जानता हूं इलाका क्या है, मैं जानता हूं जम्मू कश्मीर क्या है। बड़े लोगों को जम्मू कश्मीर है नहीं, कहानी बड़ी किसे सुनता हूं। जब आप मौका मिलेगा आपको सबको सुनाऊंगा, अब पूरा एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा। आज मैं ज्यादा फुर्ती नहीं मारना चाहता, क्योंकि ये फुर्तियां हो जाती हैं, प्रैक्टिकली होना चाहिए आदमी को, और मैं प्रैक्टिकल हूं। जिसके खिलाफ मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, आप सोचोगे, कहते हैं ना 370 गिनती उसी से कर रहे हैं ना हमारे इलाके की। जब आप हार ही जाओगे तो गिनती कहां जाएगी आपकी उधर, और ये मेरे लोग उसका जवाब देंगे। मुझे इस बात का पूरा प्राउड है अपने लोगों पे, लोग खुश हैं। और राहुल गांधी, ये तीन जो हमारे, मैं कहता देवता लोग हैं, जो सारी कुर्बानियां दे रहे हैं बेचारे, कहां कहां लड़ रहे हैं, सारी दुनिया भाग गई। 23G भी बना, मैंने पहले कह के गया था इधर, मैंने चिंता नहीं करो ये आपकी सीट छीनने वाले लोग हैं, नहीं समझते थे। आज मुझे खुशी है कि सारा क्लीन हो गया, और भी क्लीन हो जाए अच्छी बात है, लेकिन
जो रियल सेंस में कांग्रेस आनी है वो वक्त आ गया है, और आ गया है। मैं आपको सही कह रहा हूं, मैं यहां कैसे, मैं उधर मिनिस्टर हूं, इधर जबरदस्ती भेजते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में लाल सिंह आने वाला कुछ और ना बन जाए। वो क्या बनूंगा यार, लीडर हूं मैं, नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा। 80 में मुझे शेख साहब चीफ मिनिस्टर थे, फरूक साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट थे, तो काले में मुझे मार मूर तो देखा था, बड़ा मारा बुरा सब कुछ किया स्ट्रगल में, तो कहने लगे नौकरी लोगे। मैंने कहा हाँ बताओ, मैं जिस जगह शेख साहब बैठे हैं उधर बैठूंगा, बैठाते हो। मैं वो आदमी हूं 80 में, वेन अवे स्टूडेंट ऑफ डिग्री कॉलेज कठुआ, तो मेरी अपनी ही एक जिंदगी है, लेकिन मुझे इस पार्टी से दिल से प्यार है। ये को सोचे आ गया क्या है यहाँ, अब यहाँ आने का मतलब क्या है, सारी दुनिया तो घबराई हुई है, हर बंदा तो परेशान है, हर बंदा सो। मेरे कुछ बंदे कह रहे थे कल, हमें ऑर्डर हो गया कि कोई नहीं लगाना है ऐसी, कोई लिखना सारा लिखना तो हमारा इधर ही लिखना, दिस इज पोजीशन। लेकिन कोई नहीं, अभी भी बड़े लोग जिंदा है जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, पिक्चरों में भी आपने देखा है, फिर सिनेमों में भी देखा है, जो एक बेचारा अच्छा लिखता है उसकी क्या हालत होती है, क्या करते हैं, लेकिन हम उनके साथ हैं। मैं चौधरी लाल सिंह इस पार्टी को मुबारक देता हूं, मैं देता हूं मुबारक कि मैं इनमें आया हूं, मैं सच कह रहा हूं आपसे। आप देखोगे, और आप सबको कसम है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जरूर घूमने आना, इस देश की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तीन कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी है, उनमें वोट और स्ट्रेंथ ऑफ पॉपुलेशन कम है, जैसे लद्दाख है, ये राजस्थान की एक कॉन्स्टिट्यूंसी, मेरे में वोट भी है, और मेरी ही कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां बर्फ भी गिरती है, यहां नीलम भी है, यहां केसर भी है, यहां राजमा भी है, यहां बासमती भी है, कभी खाने का मन करे तो बताना, मैं सच कह रहा हूं। सारे पायलट क्या करते हैं, वहां से राजमा और चावल वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लेके आते हैं, मुझे इस बात की खुशी है। और मेरे पास जो लिथियम है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का है, अब मेरी रेत बजरी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की है, आप सारा लूट के ले जाओगे क्या, नहीं चलेगा, बताऊंगा, अभी ज्यादा नहीं कहना चाहता। आप सबका, मीडिया वालों का बहुत शुक्रिया करूंगा अगर आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी विजिट करेंगे, और ये लड़ाई देखोगे, जंग हो गई जबरदस्त, सच कह रहा हूं। धन्यवाद। मैं नारा लगाता हूं अपने इलाके में, जय डुग्गर जय डोगरा, और हाँ मैं उसका मतलब होता है कि जमीन हमारी और लोग वहां के, दोनों का नारा लगता है। तो मैं सबका, आपका, और स्पेशली हमारे मैडम सोनिया गांधी जी और हमारे यंग नौजवान, एक बात मैं कई बार लोगों कहता हूं, सुनाऊं आपको, सुनोगे, मैं कहता हूं सारे लोग मर जाने हैं, बुढ़े हैं ना, शायद मैं भी मर जाऊं, लेकिन राहुल गांधी की उम्र है, इसको कोई नहीं रोक सकता, ये बात याद रख लेना मेरी। ये लोग गलत फहमी में है, मैं इन जवानों को देखता हूँ ना, ऐसे ऐसे लड़कों को, मैंने कहा आपका फ्यूचर सही है, टिच है, वो प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे, मैं आपको कह रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं, और जिस आदमी ने जमीन पैदल चल के देखी उसको समझ होती है, मैं लाखों किलोमीटर पैदल चलने वाला इंसान हूं, और इतनी मेहनत और शिकस्त करके आगे बढ़ रहे हैं और पार्टी को बढ़ा रहे हैं, लोगों का भी मैं चाहता हूं उनको स्नेह मिले, प्यार मिले, और मैं प्रियंका जी का भी बहुत ही शुक्रिया करूंगा, बहुत धन्यवाद करूंगा, और हमारे खारगे साहब, वो हमारे, हम उनके साथ रहे हैं, हमारे मंत्री रहे हैं, हम उनके MP रहे हैं, 2004 से हम 14 तक रहे थे उधर, तो उन्होंने बड़ा हमेशा हमें आशीर्वाद दिया, मुझे वो दूर से कहते तेरे भी लाल मेरे भी लाल, फिर वो कहानी सुनाते, पता नहीं कौन सी क्या बोलते हैं आगे, अब मैं सुनूंगा अगर मौका मिला तो, बड़ी देर हो गई थी, ये सच कह रहा हूं आपसे, जो भी कहता हूं सच कहता हूं, सच के सिवा कुछ नहीं कहता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप लोग आए, इनके कहने से आए, पार्टी के कहने से आए, और मेरे जैसे छोटे से आदमी को, 5'4" बंदे को, डोगरा को सुनना, आपकी बड़ी मेहरबानी, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कोई सवाल तो नहीं हो गया ना? ठीक है, गुड। Okay.
अब 5 मिनट का ब्रेक है और एक और झटका उनको देना है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं चौधरी साहब। जैसा कि अभी आपसे बात जब हो रही थी तो बताया कि पिछले कई दिनों से एक सिलसिला शुरू हुआ है, अलग अलग पार्टी से लोग कांग्रेस की दिशा में देख रहे थे और अब आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा हुई, भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई और वो अपना प्रभाव एक चंदन की जो महक होती है उसकी तरह वो फैलाती चली गई। उसी प्रभाव का असर और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नेतृत्व, कांग्रेस पार्टी की तरफ लोग क्यों आ रहे हैं उसका उत्तर इन चीजों में मिलेगा आपको, इन तमाम बिंदुओं में आपको मिलेगा। हरियाणा राजस्थान से सिटिंग एमपीज आए, आज सुबह आपने देखा झारखंड से सिटिंग एमएलए और भारतीय जनता पार्टी में विप जो हैं वो आए। अभी इससे पहले आपने देखा कि जनाधिकार पार्टी पप्पू यादव जी ने अपनी कांग्रेस के साथ मर्ज कर दी। तेलंगाना में आप देख रहे हैं लगातार एक सिलसिला चल रहा है सुबह से शाम तक, एक तरह से कि ज्वाइनिंग होती चली जा रही है। देश की राजनीति एक नया करवट ले रही है और हम और आप उसके विटनेस बन रहे हैं, उसको देख रहे हैं। आज हमारे बीच चौधरी लाल सिंह जी, डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके तमाम साथी हैं। हमारे इंचार्ज भरत भाई सोलंकी, हमारे बड़े भाई, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, हमारे मनोज यादव जी हैं, हमारे कुंतल जी हैं, हमारे तमाम नेता यहां आपके सामने हैं। मैं भरत भाई सोलंकी से आग्रह करूंगा कि वो इस विषय में आपको और दो शब्द बताएं। आदरणीय पवन खेरा जी, जम्मू कश्मीर पीसीसी के अध्यक्ष, वकार जी, हमारे एआईसीसी के जॉइंट सेक्रेटरी मनोज यादव जी, और आज एक ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर के मामले में जो हमारे चौधरी लाल सिंह जी है, पूरी उनकी पार्टी को लेके कांग्रेस में सम्मिलित हो रहे हैं। उनका इतिहास सेवा का इतिहास है, काम का इतिहास है। कांग्रेस से सांसद रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया है। अभी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी का जम्मू में उन्होंने बड़ा भारी स्वागत किया है। और जैसा कि पवन खेरा जी ने बताया कि देश की राजनीति करवट बदल रही है, 2024 ऐसा इतिहास बनाएगा, चमत्कारिक इतिहास बनाएगा। और पूरे इस लोकसभा के चुनाव में जम्मू कश्मीर का रोल बहुत ही अहमियत रखता है। जम्मू कश्मीर की राजनीति भारत की राजनीति में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस इंपॉर्टेंट राजनीति में लाल सिंह चौधरी जी अपनी पूरी पार्टी के साथ जब जुड़ रहे हैं तो पूरा जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक बड़े बदलाव की दिशा में जा रहे हैं। आने वाला समय बताएगा, चुनाव हो गया और चुनाव के साथ लोगों की मनसा है इस देश में शांति अमन, और खास करके जम्मू कश्मीर स्ट्रेटेजिक स्टेट है हर तरफ से, जहां की राजनीति अलग अलग विचार के साथ चल रही है, उनमें बदलाव लाके
देश के साथ जुड़ के शांति और अमन की बात करने के लिए आज का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खारगे जी, हमारे सबके नेता राहुल गांधी जी और हमारे सबकी नेता आदरणीय सोनिया जी की तरफ से मैं चौधरी लाल सिंह जी को कांग्रेस में सम्मिलित कर लेत करके उनको आवकार करता हूं। उनको पवन खेरा जी, हमारे इंचार्ज भारत सिंह सोलंकी जी और आज के हमारे खुसूसी मेहमान जो आज ज्वाइन कर रहे हैं हमारी पार्टी में, उनका दिल की गहराइयों से हम स्वागत करते हैं। चौधरी लाल सिंह जी, हमारे भाई को इंचार्ज मनोज यादव जी, शहनवाज साहब और हमारे नीरज कुंडन जी और प्रणव जी, चौधरी लाल सिंह जी का जो इतिहास रहा है राजनीति में, एक ईमानदार शख्सियत जो लोगों के लिए रात दिन अपने आप को पिछले 30-40 साल से जिसने निशावर किया, जिसने हमेशा गरीबों की मजदूरों की लड़ाई लड़ी, चाहे पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के अंदर लड़ी या पार्लियामेंट के बाहर लड़ी। और आप देखेंगे जब ये हेल्थ मिनिस्टर थे चौधरी लाल सिंह जी, एक इतिहास इन्होंने रचाया, वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर। और जब ये फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, आज जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा जू वहां पे बना है, जम्बू जू, जिसकी ओपनिंग हुई है और जोग दर जोग वहां लोग जाते हैं, वो भी चौधरी लाल सिंह जी की देन है। तो मेरे, हमारी जो पार्टी है जम्मू कश्मीर में, इनकी आने की वजह से बहुत ही ज्यादा मजबूत होगी और मुझे यकीन है कि आगे चल के जब भी असेंबली का चुनाव होगा, वहां पे सरकार जो है कांग्रेस पार्टी की बनेगी। इनके आने से हमारी पार्टी बहुत मजबूत हुई और जो प्रेजेंट वहां पे सिचुएशन है 2019 के बाद, वहां पे डेमोक्रेसी भारतीय जनता पार्टी ने सस्पेंड कर दी है। वहां पे 2014 में असेंबली के चुनाव हुए हैं, 10 साल हो गए चुनाव होने को जम्मू कश्मीर में, पंचायतों के चुनाव ड्यू थे वो भी कैंसिल किए गए, म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस ड्यू थे वो भी कैंसिल किए गए। एक बहुत परेशानी में हमारे लोग गुजर रहे हैं और यहां पे दिल्ली में आके भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं सब कुछ अच्छा है, टेररिज्म दोबारा बढ़ रहा है, आपने देखा कुकरनाग में, रजौरी में, पुंछ में, कहां कहां टेररिस्ट के जो वाकात हो रहे हैं टेररिज्म के। तो मुझे यकीन है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हमारी स्टेट को यूटी बनाने का जवाब भी मिलेगा, वहां पे बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ाने का जवाब भी मिलेगा, लोगों को 200-200 साल की जमीनें छीनने का जवाब भी मिलेगा, जो वहां पे इस वक्त परेशानी है, जो डेमोक्रेसी को खत्म किया गया है, जो स्पेशल स्टेटस छीना गया, इन सब चीजों का इस इलेक्शन में जम्मू कश्मीर के लोग भारतीय जनता पार्टी को जवाब देंगे और इंडिया अलायंस और कांग्रेस जम्मू से लेके लद्दाख तक 6 की 6 सीटों पे कब्जा करेगी। ये मैं वसूख से कहूंगा, चौधरी लाल सिंह जी का लोग दिल से स्वागत कर रहे हैं, इस वक्त जश्न होगा पूरे जम्मू कश्मीर में इसके जम्मू कश्मीर कांग्रेस में आने से। तो मैं इन्हीं अल्फाज से इजाजत लूंगा और मुझे यकीन है कि एक बहुत बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी की होगी चौधरी लाल सिंह जी के आने से। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।